हेलो गाइस, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिनमें रेडियस रहता है, जिनमें फिलेट रहता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। हम मैनुअल प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद मास्टर के एमएम प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे पास एक प्रोफाइल है, ये 2D ड्राइंग है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम डाया है वो 74 mm है और ऑब्जेक्ट की लेंथ है 85.42 mm। और जो ऑब्जेक्ट है उसमें चैम्फर है, रेडियस है 3 mm का। तो इसकी मैनुअल प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैं अपने स्क्रीन को दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। तो हमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेंथ 115 mm और डायमीटर 80 mm। आप कितना भी ले सकते हैं लेंथ, जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के काम आएगी चक में। तो कंट्रोलर फानुक रहेगा। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ओ लेटर से, ओरिएंटेशन, उसके बाद कोई भी नंबर दे दूंगा मैं। सबसे पहले मशीन होम पोजीशन पे G28 U0 G28 W0 W0 W0। उसके बाद हम टूल को कॉल करेंगे T0101। G92 S1000 M03 इंडर ब्लॉक। G92 हो गया कांस्टेंट, स्पिंडल स्पीड ऑन। M03 हो गया क्लॉकवाइज, स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज। और S1000 हो गया RPM। G96 S100 M07। G96 हो गया कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड ऑन, और S100 RPM, और M07 हो गया कूलेंट ऑन। इसके बाद हम मशीन को एक सेफ पॉइंट पे ले आएंगे। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है हमने इस पॉइंट पे ले रखा है, तो यहाँ पे जेड और एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हम सेफ पॉइंट जेड में थोड़ा 5+ में लेंगे, वो यहाँ कहीं पर आएगा। और एक्स में रॉ मटेरियल का डायमीटर हमारा 80 mm है, तो हम 80 mm से ज़्यादा लेंगे, 84 ले लेंगे। तो 84 यहाँ कहीं पर आएगा। G00 X84 इंडो ब्लॉक G00 Z5। अब यहाँ से टर्निंग साइकिल स्टार्ट करेंगे हम G71 U0.2 R0.5। G71 हो गया टर्निंग साइकिल, U0.2 हो गया इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम प्रोग्रामिंग इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो कटिंग होगी वो यहाँ से मेंटेन करते होएगा। G71 P10 Q20 F0.2 P10 हो गया स्टार्ट ब्लॉक नंबर, और Q20 हो गया एंड ब्लॉक नंबर। यहाँ पे डालेंगे हम N10, क्योंकि ये सारे N के वैल्यू में आएंगे। अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे जो एंड की वैल्यू आएगी वो 10 आ रही है। G01 X। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे जाना है, अभी हम इस पॉइंट पे हैं और हमने इस पॉइंट पे जाना है।
तो इसका डायमीटर निकलेगा, ये जो डायमीटर है 40 का है, 5 का चैम्फर है, तो 5 5 10, और 40 माइनस 10 30, तो एक्स आएगा 30 इन डब्लू लॉक। जो ये वाला डायमीटर है फ्रंट वाला, ये डायमीटर है, ये रहेगा 30 mm का, G01 एक्स। अब हम आएंगे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 40, डायमीटर 40 का है, Z-5 इन डब्लू लॉक, तो जेड की वैल्यू आएगी यहाँ पे -5, क्योंकि 5 का चैम्फर। नेक्स्ट जाएंगे हम इस वाले पॉइंट पे, ये टोटल लेंथ है 22 mm और इसका रेडियस है 3 mm, तो इसके जस्ट नीचे आना है हमने, तो 22 -3 कर देंगे। तो नेक्स्ट जाएंगे हम G01, एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, Z-22 -3 19 इन डब्लू लॉक। अब हमें जाना है इस वाले पॉइंट पे, सॉरी इस वाले पॉइंट पे जी, क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो कटर है वो क्लॉकवाइज चलेगा, तो हम G02 करेंगे यहाँ पे, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज टू। एक्स की वैल्यू आएगी, ये डायमीटर 40 का जो डायमीटर है, ये 40 mm का है और रेडियस 3 mm का, तो 3 + 3 = 6, 40 + 6 = 46, एक्स की वैल्यू आएगी 46, Z-22 इन डब्लू लॉक, सॉरी Z-22 R3। तो रेडियस कितने का है, 3 mm का है, तो R3 भी आएगा। अब हम इस पॉइंट से यहाँ पे जो एक एक लाइन है, तो अब हमें इस वाले पॉइंट पे जानी है, जो डायमीटर है ये 56 mm का है और यहाँ पे एक फिलेट और है जो 3 रेडियस का है, तो 3 + 3 = 6, 56 - 6 = 50, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू आएगी G01 X 50, जेड की वैल्यू सेम रहेगी। अब हमें जाना है इस वाले पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आएगा G03, एक्स की वैल्यू आएगी 56, जेड माइनस जो ये डायमीटर जो ये लेंथ है ये 20 mm है, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, 22 + 3 = 25 इन डब्लू लॉक। तो अगला पॉइंट हमें इस वाले पॉइंट पे जाना है, डायमीटर सेम रहेगा G01, Z-, जो ये टोटल लेंथ है ये 42.6 की है यहाँ तक, और यहाँ पे जो चैम्फर है वो 3 mm का है, तो 42.46 - 3, तो जेड की वैल्यू आएगी 39.46। अब हमें जाना है इस वाले पॉइंट पे, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू रहेगी G01, 3 का चैम्फर है, ये 56 है, 3 + 3 = 6, 56 + 6 = 62, G01 X 62, Z-42.46,
अब हमें जाना है इस वाले पॉइंट पे। तो इसका डायमीटर है 74 mm। G01 X 74। और जेड की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। अब लास्ट में जाना हमें इस वाले पॉइंट पे, G01 Z -85.42 इन द ब्लॉक। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी, सपोज हम 20 ले लेते हैं, तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे क्यू के आगे, Q20, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कटिंग साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा आखिरी पॉइंट है वो। इसके बाद फिर से हम मशीन को सेफ पॉइंट पे ले जाएंगे, G00 X 84, G00 Z5। मशीन को होम पोजीशन पे डाल देते हैं, G28 U0 इन डब ब्लॉक, Z28 W0 इन डब ब्लॉक, M05 स्पिंडल स्टॉप, M09 कूलेंट ऑफ, M30 मेन प्रोग्राम एंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रोफाइल की मास्टर कैम में प्रोग्रामिंग करेंगे।